सवाल है, एक जर्नी स्टार्ट हुई थी 2010 से, जिसमें राखी लोगों को इंसाफ दिलाती थी, जिसका नाम था राखी का इंसाफ। और आज राखी खुद एक इंसाफ के लिए खड़ी है, तो राखी क्या कहना चाहोगी इसके बारे में? देखिए, ये मेरा एक शो आता था राखी का इंसाफ, वहाँ पे मैं लोगों को इंसाफ दिलाती थी, और आज मुझे खुद इंसाफ की ज़रूरत है, तो मैं मैसूर में आके इंसाफ बोल रही हूँ, कोर्ट कचहरी जा रही हूँ, हिंदुस्तान में हर जगह जा रही हूँ इंसाफ के लिए। तो क्या ये हैशटैग मेरे लिए होना चाहिए, इंसाफ फॉर राखी, यू नो, सपोर्ट राखी। ये मैं शहर शहर इसलिए जा रही हूँ कि आदिल खान दुर्रानी किसी महिला के साथ अब पांचवी छठी शादी ना करे, और किसी भी आदमियों को, बच्चों को, लड़कों को, जवानों को, सबको ना लूटे, सबसे पैसे ना लूटे। इसीलिए मैं हर शहर शहर जा रही हूँ। मतलब देखा जाए तो ये भी एक वही जर्नी है कि इंसाफ दिलाने वाली जर्नी, जो लोगों के साथ आगे गलत ना हो उसके लिए आप, ये भी एक जर्नी, मेरी यही मुहिम है। मेरे जो अरमान थे शादी करके घर बसाने के, वो तो मेरे अरमान तो अरमान कोहली रह गए, मतलब अरमान तो बह गए, दूसरी लड़कियों के साथ बुरा ना हो, इसलिए ये मेरी मुहिम मैंने निकाली है। मैसूर आई हूँ, दिल्ली जाती हूँ, शहर शहर पूरे हिंदुस्तान में मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड आदिल खान दुर्रानी से दूर रहना, चकेत रहना। मैंने वॉर्न किया है सबको, ये लुटेरा है, ये सबको भोली सूरत बना के लूट लेता है, कंगाल बना देता है, भिखारी बना देता है। वो आपके पैसे ले लेगा बिजनेस के नाम से, प्यार के नाम से, शादी के नाम से, सुहागरात के नाम से, सेक्स के नाम से, हर चीज़ के नाम से। वो दोबारा पैसा देगा नहीं। मेरा 2 करोड़ लिया है, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैंने कोर्ट में दिए। मत करना, आदिल खान दुर्रानी एक फ्रॉड है। जगह जगह अपना काम धंधा छोड़कर मैं जगह जगह जा रही हूँ कि मेरा हस्बैंड आदिल खान दुर्रानी सबसे फ्रॉड ना करे, वो उसका नेचर है। औरतों को हॉट हैपनिंग बोल के आसमान पे चढ़ा देता है, खूबसूरत बना के फिर उसका पूरा पैसा ले लेता है। मेरे जेवर बिकवा दिए, मेरी माँ की पूंजी दिए हुए, मेरी माँ के जेवर चोरी कर लिए, मेरे जेवर बिकवा दिए, मेरा प्रॉपर्टी बिकवा दिया, मेरा FD, मेरा पूरा पैसा ले लिया। आदिल खान दुर्रानी मेरे हस्बैंड जो है वो सबको फ्रॉड करता है, सबको लूट लेता है, औरतों को, आदमियों को, बिजनेस के बहाने के महीने को 7 लाख रुपया दूंगा, 8 लाख रुपया दूंगा, 10 लाख रुपया दूंगा, झूठ बोल बोल कर लूट लेता है। तो उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दूसरों की हिंदुस्तान में या किधर भी दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद ना करो हो, इसलिए मैं शहर शहर जगह जगह जा रही हूँ। बाद में आपकी मर्ज़ी है कि आप लुटा दो, तुम्हारा पैसा दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो लूट लेगा। मैं मेरे छाती में शांति तब मिलेगी जब वो तनुश्री दत्ता मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी, कहने अभी तो उसने छुरा मार दिया है, राजश्री मोरे, ये बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों को लूट के, इनको कंगाल करके रोड पे ये लोग भीख मांगेंगे, तब आएगा मुझे मज़ा। क्या, क्योंकि ये लोग मेरे को पीठ में छुरा मार दिए, यहाँ छुरा मार के, मेरे 8-8 साल की दोस्ती छुरा मार के उसके साथ चले गए, उसको सपोर्ट करने के लिए, बिन माँ बाप की बच्ची को, अनाथ को छोड़ के झूठा झूठे आदमी का सपोर्ट करने चले गए। मैं चीखती चिल्लाती रह गई सारे सबूत में, सबूत सबूत सबूत, तारीख 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 तारीख, तो कब आएगी कोर्ट की, वो तो आएगी ही आएगी। आदिल खान जेल जाएगा ही जाएगा, अभी 6-7 महीने तो जेल में था ही था, मेरे पास वो सारे प्रूफ है। देश की जनता, कोर्ट कचहरी का मामला लंबा है, लेकिन अभी फिलहाल मैं सबको चौकन्ना कर रही हूँ के आदिल खान दुर्रानी जो मेरे प्रेजेंट हस्बैंड हैं, जो अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, बहुत जल्दी होने वाला है, अभी हम साथ नहीं रहते, उसकी बातों में मत आना, चिकनी चुपड़ी बातों में। कहते ना चिकनी चुपड़ी चाची, तो ये बहुत चिकनी चुपड़ी चाची ही है, जो एक लुटेरी दुल्हन की तरह सज सवर कर, नकली टोपा बाल लगा कर, सब जगह सबको लूट लेती, औरतों को, उसकी इतनी तारीफ कर देगा औरत पागल हो जाती है, ओ माय गॉड मैं इतनी खूबसूरत हूँ, फिर उसको ड्रिंक करने लेकर जाएगा, उसको खाना खिलाने लेकर जाएगा, फिर धीरे धीरे कमरे में लेकर जाएगा, फिर ऐसा पर्दा खिला देगा वो बेहोश हो जाएगी, कपड़े उतार के उसके साथ लेट कर, करते करते पूरे वीडियो बना देगा, औरत शर्म के मारे जेवर बेच देगी, पति का मर्डर कर देगी, औरत शर्म के मारे अपना बाल बच्चों के लिए सब कुछ बेच देगी, इसको पैसे दे देगी। ऐसे
थैंक्स टू वो ईरानी लड़की फॉरेनर जो उसने उसने उस वीडियो दिखा के पुलिस को मैसूर में जेल में उसको डलाया। मेरे भी वीडियो, मेरे सुहागरात की वीडियो, मेरे नंगे राखी सावंत, तुम्हारी राखी सावंत के नंगे वीडियो उसने शूट किए और बेचे हैं। तुम्हारे भी बेचेगा वो, ट्रस्ट मी, वो तुम्हारे भी बेचेगा। औरतों संभल जाओ, बॉलीवुड की हीरोइनों औरतों संभल जाओ। दिल्ली जहाँ पे भी, हिंदुस्तान में हर जगह औरतों, दिल्ली का भी एक केस आया, उस लड़की को भी क्या करता है ये, दूसरों के पेनिस का वीडियो बना के भेज देता है कि ये मेरा है, देखो कितना बड़ा है, आप समझ रहे हो। हालांकि वो उसका नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको देती हूँ, ये अटैच करो प्लीज़, अटैच करो। और बाद में कुछ लड़कियाँ मुझे नहीं समझ में आता चली जाती, बाद में उनका न्यूड वीडियो बना दिया और वो लड़की बेचारी एफ आई आर करने वाली है। वो लड़की ने कहा कि हमको जूस में पिला के बेहोश कर दिया, हम गए, हम तो मिलने गए थे लेकिन रूम में गोप्रो कैमरे लगा के शूट कर लिया। वो लड़कियाँ मेरा, मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट वीडियो सब देती हूँ, आप देखो। थैंक यू सो